हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शावर ले लिया मैंने और बस अब थोड़ी सी चूड़ियाँ ही बदल रही थी, वही पहन रही हूँ। लाइक मैंने साड़ी भी निकाली हुई है पर शाम को पहनूंगी। अभी मेरा ये वाला सूट पहनने का मन कर रहा था जो घर से आया है सूट, तो मैं कहा थोड़ी देर के लिए ये पहन लेती हूँ और शाम को जब होलिका दहन पूजा जो मुहूर्त टाइम होता है उससे पहले फिर मैं साड़ी पहनूंगी। साड़ी बड़ी प्यारी है मेरी, तो वो पहनूंगी, फिर उसके साथ की मैचिंग सारी चीज़ें पहनूंगी ही। तो फिलहाल के लिए कर लिया। और ये देखो मेहंदी टोटल केमिकल है, ये वो नहीं है जो घर से आई है, ये वो है आई थिंक करवा चौथ पे या दिवाली पे, पता नहीं, हम इंडियन शॉप से लेकर आए थे। लगाने के बाद इतनी काली होती है, सुबह से बस एक दो बार मैंने बर्तन मांजे हैं, अद्वी का सिर धुला है, शावर दिया और खुद नहाई हूँ, सर धुला है, इतने में ही ये ऐसी हो गई। सुबह कितनी डार्क थी, तो खुशबू भी इसमें से ना वो मेहंदी वाली नहीं। और अच्छा, घर वाला कीप मैंने खोला नहीं, मैं कहा एक तो हिम्मत नहीं थी रात इतनी ज़्यादा देर बैठने की, मैं कहा चलो उस वाले कोन में बची हुई है वही लगा लेते हैं, और वो फ्रिज में ही रखा हुआ था। तब भी यही हुआ था, आई थिंक करवा चौथ या दिवाली, नॉट रिमेम्बर, तब भी यही था कि हाँ शाम तक जो है ना वो बिल्कुल फीकी हो गई थी मेहंदी, नहीं तो मेरी मेहंदी तो बहुत डार्क रचती है। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए बहुत डार्क रचती है मेरी मेहंदी। तो फिलहाल क्या है, मैं जा रही हूँ नीचे लंच बनाने के लिए, और नाश्ते में तो हमारा वही गुंजिया खाली एक एक दे दो। अद्वी ने दूध ले लिया था और ब्रोशे लिया था और वो मसाला काजू, हर फेवरेट हमने गुंजिया ले ली थी, दूध, दैट्स इट। लंच जल्दी बनाऊंगी क्योंकि शाम को फिर खाना भी जल्दी बनेगा। जो मुहूर्त है होलिका दहन का, वो मेरे ख्याल से 7:15 से 7:47 तक का कुछ ऐसा है, तो उससे पहले खाना वाना सब कुछ बनाना है पूजन का। और इनके आना विकास के यहाँ पे होली नहीं, लाइक सुबह के टाइम पर होली नहीं पूजती है, मेरे मायके में पूजती है, लाइक देवताओं पे जोत जलाने के लिए भी जाते हैं और होली भी पूजती है, लेकिन इनके यहाँ सिर्फ देवताओं पे जोत जलाने के लिए जाते हैं और होली नहीं पूजी जाती है। होता है ना सुबह को, जो लोग होली पूजते होंगे उनको पता होगा, जल लेके होली के चारों तरफ घूमते हैं और धागे से परिक्रमा करते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, तो वो इनके यहाँ नहीं होता वो कुछ भी। एंड ऑब्वियसली मैं ससुराल का ही सारा फॉलो करती हूँ, और इवन इनके यहाँ ये है कि जैसे जोत भी जलाने जाते हैं ना देवताओं पे तो खा पी के चले जाते हैं, हमारे यहाँ लाइक मायके में जब तक आप देवताओं के आगे जोत नहीं जलाते हो तब तक आपको फास्ट रखना पड़ता है, लाइक बर्तीवासी जाओ। और देवबन से हमारा जो गाँव है मीरापुर पड़ता है, तो पहले क्या होता था, मम्मी सुबह 4 बजे वाली ट्रेन लेती थी, फिर वो लोग खतौली उतरते थे, वहाँ से फिर गांव जाते थे, तो ऑलमोस्ट लाइक 2.5 घंटा तो आराम से लगता ही था खतौली से बस में जाना और फिर वहाँ से गांव में अंदर, क्योंकि जो देवता होते हैं ना वो अपने खेत में ही होते हैं, तो इतना लंबा सा सफ़र करके भी वो लोग जाते थे, और बिल्कुल सुबह सुबह उठ के कुछ खाना ना पीना, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता था कि जब मम्मी दिए जला के वापस देवबंद आती थी ना तो सर में दर्द, बुरी हालत वहाँ पे, तो ऐसे ही होते थे। इनके यहाँ विकास के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनके यहाँ तो आराम से नाश्ता नाश्ता करके लेट सवेर अपना चले जाओ, जोत जला के आ जाओ, तो वो ये हर लाइक एवरीथिंग इज सेम, मैं भी जाट ये भी जाट, सब कुछ लाइक एवरीथिंग सेम, बट हर घर के रिवाज अलग हैं, दहलीज उतरते ही रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं और लड़कियां फिर उन्हीं रिवाजों में ढल जाती हैं, ससुराल ही अपना घर होता है। तो चलो सूट कैसा लग रहा है मेरा, सुंदर है ना, प्यारा है, कंफर्टेबल, फिटिंग भी सही आई है इसकी मुझे, बिल्कुल सही आया है। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे और बनाते हैं खाना दाना, यस थोड़ी सी तैयारी करके रखी हुई है, और आज हम बहुत एक्साइटिंग कुछ करने वाले हैं तो शेयर करेंगे आपके साथ, पहले से बता के मज़ा ख़राब नहीं करेंगे। चलो पहले चलते हैं नीचे और फटाफट खाना बनाते हैं। और हाँ, मुझे अद्वी का होली हार भी तो बनाना है, पहले दिन वही वो भी मुझे कल ही बनाना था, बट कल तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि सब कुछ मैंने आज के लिए छोड़ दिया। चलो जी, नीचे मेरी वैसे जोत बत्ती सब कुछ हो गई है, मैंने भगवान जी के सामने दिया जला दिया है, कितनी सारी बात बताई मैंने आपको, अब खाना।
यहाँ पे हमारी पनीर की सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट डन है, राइस है साथ में, और ये छोले भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे, लेकिन छोले आज नहीं खाए जाएंगे तो इनको मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी क्योंकि शाम को कुछ और बनने वाला है। और यहाँ पे होली हार के लिए मैंने ये चीज़ें निकाल के रखी हैं, किशमिश है, छुआरे हैं, कुछ टॉफ़ी हैं और मखाने हैं। इंडिया में तो मम्मी वो भी लगाती हैं, जो सूखा नारियल होता है ना गोला, वो भी लगाया जाता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मेरे पास यही हैं। और ये छुआरे तो वो खैर खाती भी बहुत कम है, तो बस इन्हीं से मैं होली हार बनाऊंगी। एक मस्त ऑप्शन है क्या? बेर। बेर। बेर, हाँ, बेर, बेर, बेर। और ये नान कर रहे हैं, चटोर बने, चटोर बना है, पेट भरना है अपना। ओए होए, हाँ वैसे तो पेट भरते ही नहीं इनके हैं, पेट भरना जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ, बिना नान के तो देख लो भैया, नान पता है शाम को पक्का खाना बनने वाला है, पर नान खाने हैं। ओके जी, और यहाँ पे कौन है? शोना खड़े होके दिखाओ जल्दी, इतनी बिजी हो रही है वो उसे गेम। तो अभी अद्वि ने भी ये वाले कपड़े पहने, शाम को इंडियन पहनेगी, पर बिंदी शिंदी लगा के चूड़ी पहन के रेडी। ये आपकी माला बनाऊंगी ना उसके लिए, खा ले हाँ तू पहले। चलो जी, तो ये है अद्वि, अब बस हम लोग खाना खाते हैं, भूख लग रही है तगड़े वाली। लगा दो बस, तो लंबा काम कर गया, टाइम लगेगा। मुझे क्या करना? आपको कुछ नहीं करना। देखो भाई, होली हार में गैलेक्सी इज द मॉडर्न होली हार। टॉफी हमारी मम्मी भी डाल लग रही थी, हम 5% लिया कर होली हार में स्नीकर। स्नीकर भी है बता, पहले तो वे मिठे वाले भी तो होली हार में लाकर ना, है ना? मिठे वाले नहीं आया करते वे चिंदी के। इसे हम नया वो नाम देंगे क्या? दिस इज हाइब्रिड होली हार, हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। नहीं भाई, ये चीज तो पहले से बेटर लेती है, टॉफी और ये भी, ऐसी बात नहीं है। Can I have one? बेटा इसमें से नहीं है, वहां से ले लो दूसरे वाले। Okay. पर ये सुई छोटी है हमारी, वो सुई बड़ी हुआ कर रहती जो अब बता रहे बड़ी सुई कहां से लाऊं जिससे होली हार बनाया करें थे। Where is it? ये बन गया। Here? हो गया तो? नहीं बेटा इसमें नहीं है, इस ब्लू वाले बॉक्स में। ओके, इसमें बादाम भी डालने? That side. But just for you guys to know, I'm here. Yes. Yep. Hello. Yeah. Everyone knows you are here. झूठ फैला दो बीच में। नहीं झूठ नहीं आएगा, टेस्ट भी सही है क्या? मिठी है। शगुन होए तो। हाई भी डोली यार। कुछ भी मतलब। हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, जब कुछ चीज़ मिक्स कर दो, कुछ नाम ना मिले उसका, तो क्या कर दो? हाइब्रिड। हाइब्रिड है ये। हम ये करते हैं, जब पता नहीं कुछ क्या मतलब कुछ भी मिला दिया, कुछ बन गया, नाम पता नहीं क्या है, तो हाइब्रिड। Nope, the right one. What? There is no Maltesers. चल ले ले, मुझे दूसरी वाली दे दे। बेटा पता इनू खानी तुझे ही है ये सारी की सारी, तो कम खा। नहीं, बेटा थोड़ी कम खा। अब यू बताओ ये छुआरा कैसे निकाल लूं मैं इस सुई में, कैसे ये टूट जाएगी? हम है ना उसके लिए। मुझे तो प्लेट जो सुई टूट गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी गलती नहीं है। यहाँ सुई भी कमी है, ठीक है, यहाँ इतनी सुई है भी नहीं। बाबू मैं मुझे तो ड्राई दी थे यार, काम मैं कर रहा, हाथ में अगर लग जाए भाई इधर उधर जाके तो। अब होली भागना जोड़ी हाथ में लग गई तो लग गई, क्या हो गया? ले भाई गुंदल गया, देख मिशन सक्सेसफुल। इतना बना अब तक, फिर तीन चार घंटे हो गए बनाते हुए।
आदमी से गले में डाल के घूम लेगी और फिर खा लेगी। हम तो जब मम्मी होली पूजने जाया करें थी हम तो तब गले में डाल लिया करें थे। मैंने कभी गले में डाला है? मैं तो बड़े मजा आया करते नए कपड़े होली के और उसके ऊपर होली हार डाल के और मम्मी के साथ जाया करते। रेंद तू रेंद यू नो व्हाट इट इज इंडियन पॉपकॉर्न व्हाट इज इंडियन पॉपकॉर्न मखाने बेटा क्या कहते हैं मखानी प्लेट में रख देखा होली हार जो है वो रेडी हो गया बड़ी खुश हो रही है वो पहन के है ना एक दो मखाना तो खा भी लिया तो ऐसा ये होली हार तैयार हुआ हैप्पी होली वंस अगेन और बस होलिका दहन का थोड़ी देर में टाइम होने वाला है वी प्लान्ड रियली गुड फॉर टुनाइट लेकिन इंद्र देवता जो हैं वो उनके प्लान कुछ और ही थे और बाहर जो है वो झमाझम बारिश हो गई है अदरवाइज हमने बाहर जो है वो होलिका की स्थापना करी थी और हमारा ये था कि हम दहन करके वहीं पे बैठेंगे लाइक पूजा करेंगे वहीं खाएंगे लेकिन सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया और इससे पहला ब्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं दैट्स द पॉइंट तब भी मैं बोलती हूँ ना कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है हम ये करेंगे वो करेंगे गार्डन से रिलेटेड तो जो भी होता है ना हमेशा प्लान जो है वो फेल ही हो जाता है चूल्हे का किया उस दिन बारिश खैर चलिए क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए आई एम ऑलरेडी अद्वी ने भी ड्रेस पहन ली है परफेक्टली फिट आई है लेंथ बिल्कुल सही है थोड़ी सी ढीली है बट बहुत अच्छी आई है तो अभी दिखाऊंगी टच वुड शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस और खाने की कुछ तैयारी मैं आपको दिखा देती हूँ पहले खाने की तैयारी यहाँ दिखा देती हूँ आपको बूंदी भिगो के रखी है वही बूंदी है जो मैंने घर पे बनाई थी अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो घर की बनी हुई बूंदी है ये मैंने पानी में डाल के भिगो के रख दी है दही निकाल दिए तो बूंदी का रायता बनेगा इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल निकाल दिया है पूरी के लिए और ये वाली कढ़ाई जिसमें दिन में मैंने फ्राई किया था ना तो इसका ऑयल डिस्कार्ड कर दिया है और ये रख दिया चिकनी ही है ये तो इसके अंदर मैं सब्जी बनाने वाली हूँ और वो दोपहर की बची हुई पनीर की सब्जी रखी हुई है और बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनाऊंगी मैं आलू गोभी और शिमला मिर्च की बहुत अच्छी लगती है पहले ये था कि छोले पूरी बना रहे हैं लेकिन फिर छोले का प्लान आज कैंसिल हो ही गया तो मे बी कल बनाऊं मैं तो आलू गोभी ये साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी के साथ मीठे में जो है वो रबड़ी है तो फिलहाल बस मुझे दो ही चीज़ें बनानी है और बाहर अगर आपको दिखाई दे ना आई डोंट नो सही से उधर वो लकड़ी का पैकेट रखा हुआ है डोंट नो क्लियरली दिखेगा नहीं क्योंकि बाहर अब अंधेरा सा हो गया है तो अच्छा हुआ हमने लकड़ी लगा के पूरी होलिका नहीं बनाई थी लेकिन हमने बेस बना दिया था वो ईंट का अगर आपको बेस दिखाई दे रहा हो बारिश अभी भी हो ही रही है आई डोंट नो क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा लेकिन ईंटों का हमने बेस बना दिया था और उसके ऊपर फिर हम करने वाले थे बट नहीं देखो खोल के अगर इधर से दिखे तो मैं बाहर जाऊंगी नहीं क्योंकि बारिश का है अरे हमारा फ्लेमिंगो जो है वो भी लाइट अप हो रहा है ओके हल्की हल्की सी है तो हमने ऐसे ना वो ईंटों का बेस बना दिया था और उधर वो लकड़ी लेकर आए थे क्या करेंगे फिलहाल रुकी तो है बट बादल देखो और कल को इतना सनी वेदर दिखा रहा है ना टेम्परेचर भी 18 तक जा रहा है बट टुडे क्योंकि आज हमारा ये प्लान था तो आज जो है वो इंद्र देवता को बारिश करनी ही थी सब कुछ गीला गीला हो गया तो ऐसा भी नहीं कि बैठ पाएंगे तो यही चल रहा है फिलहाल तो लेट्स सी चलो अंदर चलते हैं अभी और इनके शूज़ भी यही रखे हैं ये भी उठाऊं मैं पहले खाना बनाती हूँ या चलो पहले अद्वी को दिखाती हूँ उसके बाद आके फिर फटाफट खाना बनाती हूँ बिकॉज इट्स 6:30 नाउ यहाँ पे है मेरी प्रिंसेस कितनी मस्त आई है छोना छोना लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है हल्की सी ढीली है ऐसे करके बाद जो दिखाओ ऐसे करके वाव और बहुत प्रिटी लग रही है रंग खिल रहा है मेरी छोना के ऊपर और मेरी छोना को ये वाला मैंने पहनाया है नेकलेस
मैचिंग बिंदी और मैचिंग ये लगाई है क्लिप। ये पिछली बार ना तब हम इंडिया गए थे तब इसकी मामी ने बहुत सारी दी थी, मेरी भाभी ने ना उनका पार्लर है वो रखती है, तो इसको इतनी सारी क्लिप्स वगैरह दी थी ना उन्होंने वो है। और अद्वी क्या बोलती थी मामी को आंटी वहां पे पार्लर में आते थे ना जैसे कोई बच्चे तो वो आंटी बोलते थे, तो अद्वी ने उनको आंटी बोलना शुरू कर दिया था। और मेरे भैया को पापा बोलती थी क्योंकि अर्जुन शक्ति पापा बोलते थे उन्हें उनको पापा रियली प्रिटी लग रही है शोना, एक बार दिखा दो पूरा। बस कराटे करने वाली ड्रेस नहीं है ये सब्जी उधर होने लग रही है नॉर्मल, सिर्फ ऑयल में ना जीरा राई और हींग डाल के मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब ऑलमोस्ट डन हो जाएगी ना तब बाकी के मसाले ऐड करूंगी। और इधर मैं लगा रही हूँ पूरियों के लिए आटा, और पूरियों का आटा मैंने पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं थोड़ा सा ना उसमें दही जरूर ऐड करती हूँ, उससे ना फिर पूरी हाँ ऑयली नहीं बनती है। फिक्स कर दूं मैं एक बार, उल्टी साइड में जा रहा है। तो दही डालने से ना जो पूरियां होती है ना वो ऑयल को कम सोख करती है, और त्योहार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि पूरियां बनती है लाइक पक्का खाना पूछता है तो बनानी होती ही है। कई बार आ जाता है कमेंट बड़ा ऑयली खाते हो त्योहार के बहाने, इसके बहाने बहाने नहीं है रिवाज है ये, क्या करें निभाने होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि त्योहार पे किसी के घर मूंग की दाल की खिचड़ी या कोई मूंग की दाल या स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाता होगा। साल भर के त्योहार होते हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा बना के खाएं। हाँ ये बात अलग है कि हमारे यहाँ त्योहार बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑयली खाना सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ रीति रिवाज होते हैं जो कायदे के साथ करने चाहिए तो इसीलिए बनाते हैं। तो मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है और उसमें मैंने आधे कप से ज्यादा तो दही डाली दी होगी। 1 चम्मच में सॉल्ट डाल रही हूँ और पहले इसको मिक्स करूंगी, ऑयल वगैरह मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। और इसके बाद जितना पानी की जरूरत होगी ना पूरी वाला आटा लगाएंगे, मशीन रन होगी तो अब आवाज होगी। चलो मैं ये आटा नीट कर लेती हूँ फिर सब्जी भी हो जाएगी, एक बार चला के ना उसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी रेडी हो गई है, ऑयल मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे और रायता भी बन गया है, और ये थोड़ी सी गार्निशिंग कर रहे हैं इसके ऊपर इसको सुंदर बनाने के लिए, बिल्कुल फाइनल टच। और इन्होंने ये वाला कुर्ता पहना है, दिखाओ भाई दिखाओ, मैंने अपनी साड़ी अच्छे से नहीं दिखाई, पहले आपका कुर्ता दिखाओ। माय फेवरेट कुर्ता। हाँ इनको ये बड़ा पसंद है, ये शामली बनवाया था ना आपने है ना। और ये कपड़ा कहाँ से लिया था, ये वाला आदि आश्रम का है, ये भी वहीं से लिया था ना। कहाँ से? कहाँ शामली से ही लिया था खादी आश्रम। इसका सच में कपड़ा, कुर्ते बहुत है इनके पास, इसका कपड़ा सबसे अच्छा है, सबसे अलग है। हाँ इस फिटिंग भी इस वाले की मस्त है, ये हमारा शामली का फेमस सिलर था पहले। हाँ पापा के नहीं सिला ना, तो इन्होंने ये कुर्ता पहनना है। ओके मस्त सा रंग है, वहां पे पूरियों का आटा तैयार है और उधर बर्तन भी तैयार है एक्चुअली, बट मैं सारे एक साथ ही करने वाली हूँ। अब बस हम पूरियां उतार रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी करना है। और उधर दिखाऊं, इधर मेरी ये लाइट भी है ताकि अच्छी रोशनी आए, और दिया बाती कर दिया हमने, बस अब भोग की थाली लगा के भगवान जी को चढ़ा देंगे। गुंजिया पेड़े वो सब कुछ ऑलरेडी रखे हुए हैं सुबह के, तो बस पूरियां उतारते हैं। ये बताओ रबड़ी ठंडी सी खाओगे या ऐसी रहने दो?
सॉरी मतलब गर्म करो या ठंडी को। तो यहाँ पे लग गई है भोग की थाली, पूरियां रख दी है भगवान जी के लिए, आलू गोभी की सब्जी जो बनाई है, रायता और रबड़ी, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, पानी रख दिया है और यहाँ पे चम्मच भी रखी है। तो बस अब भगवान जी को भोग लगा देंगे और फिर बाकी की जो पूरियां हैं मैं भी फटाफट बना लेती हूँ। तो ये है आज की स्पेशल थाली होली के लिए। तो खाना बिल्कुल रेडी है और अब हम लोग भी खाने वाले हैं। अद्वी को दे दिया है क्योंकि वो जल्दी सोएगी, कल को स्कूल है उसका। नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि सिर्फ चार ही दिन जाना है ना, थर्सडे से छुट्टी हो जाएगी, फिर ईस्टर की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आई थिंक 2 वीक का उसका स्कूल ऑफ रहेगा। तो 4 दिन और है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स मोड हो जाएगा। साड़ी कैसी लगी मेरी? बहुत बढ़िया। रेड कलर की साड़ी पहन लो, मेरे साहब खुश हैं। रेड कलर की साड़ी, येलो कलर कुर्ता और आधी गर्दन कटी हुई। मैं फोटो में जाने रहा हूँ फ्रेम में, तो क्या करें, पहले तो अपना काम कर लूँ। हाँ, पहले मैं अपना कर लूँ, मैं अपनी डिटेल दे दूँ। पता है साड़ी कितने की है? यू वोंट बिलीव, सिर्फ 999 की। और किस किस ने नोट किया, ये ना वो साड़ी है, लाइक रिप्लिका है, जो शिल्पा शेट्टी ने आई थिंक करवा चौथ पे पहनी थी लास्ट या समथिंग। डोला सिल्क है ये, बट उस वाली साड़ी, वो तो डिजाइनर है, तो उसकी ये रिप्लिका है, सिर्फ 999 की। इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड है ना तो ले लेना। बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका और इस तरह का प्रिंट है इसका, इस तरह का पूरे में ना, और ऊपर ये लाइनिंग, और ब्लाउज मैंने ना डिजाइन वाला ऐसे बनवाया है। ये डिजाइन है आगे कट वाला, मैंने मम्मी को दिखाया। तो गला घोटू ब्लाउज है ये, कह रही थी आगे छेक छुड़वाने का क्या मतलब है। छेक छुड़वाया, इसे कपड़ा कट के ऊपर लगा दिया। तो देख लेना, बट डिजाइन है ये ऐसे इस तरीके से, तो सुंदर है। बैक में भी डिजाइन है इसमें अच्छे से, ऐसे दिखे तो ये बनाया हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये दिखा यहाँ पे ना, ये फुल डिजाइन है भाई। हाँ, यहाँ फुल फूल फूल बनवा बो बनवाई हुई है, बहुत सारी बो है ये, और ऊपर ये वाली एक पट्टी है, इसमें भी हुक है, यहाँ पे हुक है और यहाँ पे हुक है। तो ब्लाउज की डिजाइन ले लिया करो मुझसे, मैं दुनिया भर की ढूंढ ढूंढ के लेके आती हूँ। अच्छा चलो, बहुत डिटेल होगी, जो कोई इंटरेस्टेड हो इस साड़ी में तो इसका लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 999 की डोला सिल्क, परफेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन, अगर आप मेरी तरह ना रेड कलर के लाइक फैन हो तो। खाना खा ले भाई, हाँ जी, वो भी जरूरी है। हाँ नहीं, भूख भी लग रही है, देर होगी बहुत। चलो चलो खाना खाते हैं, फिर आपको होली का ना एक मजेदार किस्सा जो है ना वो सुनाते हैं। आज तो सिर मुंडाती होले पड़ गए। हाँ, मेरे ससुराल गेंदा फूल का है। चलो खाना खा लो। नहीं, बाहर का तो कांड बता दो। हाँ भाई, सुनो 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 एक कहानी। मैं बाहर गया था होली बनाने, तो मैं पहले नीचे सोच रहा था कि ब्रिक का एक बेस बना लूं। वो मैंने दिखाया हाँ। तो बन गया था हाँ। जैसे ही मैंने पहली ईंट रखी, पहली बूंद आई, फिर दूसरी रखी, तो फिर तो पड़ 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 हो गई। पड़ 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 पड़। मतलब सुबह से कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल साफ मौसम था, पर जैसे ही मैंने ईंट बिछाई बस पड़ 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 पड़। और अब तक शुरू है? नहीं, 7 बजे हो गए, 7 बजे शुरू हुआ था ना। हाँ, और 9 बज गए, 9 बजे रुका नहीं अब तक, और सुबह से बिल्कुल फुल ब्राइट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं था, कोई चांस नहीं था कि भाई बारिश आएगी। 6:30 से शुरू था, तो इसे कहते हैं, मैं तो सिर्फ नहीं मुंडाया आज, पता नहीं खुद ही ओले पड़ गए। अच्छा खासा मैं इतने सारे वुड खरीद के लाया, जलाने का भी, होली बनाएंगे भाई बाहर, बाहर बैठे खाएंगे थोड़ा कुछ, एंजॉय करेंगे। अब भी बड़ी खुशी होती कि बोनफायर नाइट हम लोग घर पे करेंगे, बट अब बोनफायर करेंगे और विदाउट होली करेंगे।
कल का टेम्परेचर अच्छा है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि हम रन से बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं। बिकॉज अगर मैंने कह दिया ना तो भले अभी वो सनी दिखा रहा है, कल को जो है ना वो पूरी धड़ाधड़ ओले पड़ जाएंगे, बारिश हो जाएगी। तो मुंह से बस कहोगे ना कुछ दोबारा निकाल लो ना, चलो भाई खाना खाओ। अभी बज रहे हैं रात के 11, किचन सारी क्लीन है, एवरीथिंग डन, और अद्वी भी सो गई है, टाइम से सो गई थी वो, 9:15 बजे के करीब सो गई थी। और मैं आज के दिन की जो मैंने दोपहर तक वीडियो रिकॉर्ड करी, दोपहर क्या लगभग लाइक 4 बजे तक जो रिकॉर्ड करी थी, वो वाला पार्ट मैं एडिट कर रही थी। एंड अगेन वो बात करते करते हर एक चीज़ इतनी कनेक्टेड होती है ना, वो इतनी लंबी वीडियो बैठ रही थी, तो इस वाली वीडियो में थोड़ा सा पार्ट दोपहर से पहले का भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो किस्से हम आपको सुनाने वाले थे वो आज की वीडियो के लिए कट हो गए हैं, क्योंकि अगर हम किस्से सुनाएंगे तो फिर पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो कैसे कैसे करके मैंने वो फर्स्ट पार्ट एडिट करा है बस मैं ही जानती हूँ। ये वाली क्लिप ऐड कर दूँ, वो वाली क्लिप ऐड कर दूँ, चलो ये नहीं करती, बहुत एडिटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और वो भी तब जब आप इतनी ज़्यादा बातें करते हो और इतनी सारी क्लिप्स आपके पास आ जाए। तो चलो अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिन का भी कुछ पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, तब एडिट करूँगी, आई विल सी के किस किस तरह से मैं मैनेज करूँगी। सो आप लोग देख चुके होंगे वैसे अब तक। तो चलिए यही थी आज की वीडियो, वंस अगेन हैप्पी होली, भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग खुशियां हमेशा हमेशा रहें, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, एवरीथिंग फॉर यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कल को हमारे किस्से जरूर सुनना, साहब का कौन सा लोटिंग डांस आपको अभी से हम हिंट दे रहे हैं। चल बाय।